Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So I am shooting like this video बहुत time बाद because मैं थोड़ा busy थी. मैं अपने काम में थी, अपनी पढ़ाई करनी थी, मुझे थोड़ा courses complete करने थे तो वो कर गई थी, इसलिए मैं video shoot नहीं कर पाई. साथ ही साथ मेरा phone भी बहुत problem कर रहा था. So now I am free and थोड़ा सा free, ज़्यादा नहीं, ठीक है. तो मैंने सोचा कि आज कुछ आपके साथ बातचीत हो जाए बिकॉज बहुत दिन हो गए कि कुछ वीडियो नहीं बनाई. सो आई थॉट कि कुछ वीडियो बनाई जाए. तो कुछ बातें हैं जो आपसे करनी चाहती हूँ मैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो द मेन थिंग इज़ कि आज मुझे इस बात पर टॉपिक पर बात करनी थी कि हम सोचते हैं, वी थिंक कि यार जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो शायद हमारे लिए बहुत टफ है या हम उसको कर ही नहीं सकते हैं, वो हमारी एबिलिटी के बाहर है. ऐसा कुछ नहीं होता है. आप जो कुछ भी सोचते हो, आपकी जो थिंकिंग होती है, आप उसे कर सकते हो. आई एम वेरी सॉरी मैं थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है बट इट्स ओके, ये सब होता रहता है, ठीक है, क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है तो ये है. सो एनीवे, बट मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई स्टेप अगर आप ले रहे हो, लाइक इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू अ बीएससी नर्सिंग, तो आप कोई गलत स्टेप नहीं ले रहे हो. लोग ये कहते हैं कि बीएससी नर्सिंग का कोई स्कोप नहीं होता है. लोग ये कहते हैं ना, बहुत लोगों को सुनते हैं, देखा है और सुना है बेसिकली, और बोलते देखा है कि यार बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, कोई सोच नहीं है, कोई मतलब आगे तुम्हारा फ्यूचर नहीं है या कुछ ऐसा. तो दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. बीएससी नर्सिंग भी एक वैलिड कोर्स है, आपको पता ही है, प्रोफेशनल कोर्स है. और भाई मैं बता दूं कि बीएससी नर्सिंग की जो नर्सेज होती हैं ना, उनकी डिमांड बहुत है. अगर इंडिया में नहीं है तो बाहर है, लाइक अब्रॉड वगैरह में है. मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है तो यहाँ आई बटन पे आ रहा होगा, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं. मैं आपसे बता रही हूँ कि चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो, आजकल इंडिया में भी डिमांड बढ़ चुकी है और बाहर तो है ही. प्लस यार अगर कोई ये बोलता है ना, तो आप उनको स्ट्रेटली बोलो कि यार ऐसा नहीं है, इसकी भी एक वैलिड डिग्री है ये एक, और इसकी भी डिमांड है. क्योंकि ये बहुत मैं आपको बता दूँ कि बीएससी नर्सिंग जो होता है, जो क्लिनिकल फील्ड वर्क होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है. लाइक जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो लैब टेक्नीशियंस हैं, जो काम हॉस्पिटल सेटिंग में करते हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ कि वो बहुत जिगर का काम होता है. किसी भी पेशेंट को अपने सामने ऐसे देखना जो प्रॉब्लम में है, वो इजी नहीं होता है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको उसको ट्रीट भी करना है, तो वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी वाला काम होता है, ठीक है. ये वही कर सकते हैं जिनको एक्चुअल में ऊपर वाले ने रखा हुआ है इस काम के लिए, ठीक है. तो अगर आप ये सोचते हो कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो. आप जो चीज़ अगर आपने सोच ली अपने दिमाग में, तो यार देखो वो हो जाती है. फिर वो चाहे कुछ भी कैसा भी आपका माइंडसेट क्यों ना हो, वो चीज़ आप कर ही ले जाते हो, ठीक है. अगर आपने सोच लिया है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है, मीन्स आपको जाना ही होता है ना, आप घूमने जाते हो ना, तो अगर आप अपने दिमाग में ये चीज़ बना लो कि आपको ये काम करना ही करना है एनी हाउ, कुछ भी हो जाए, तो यार आप कर सकते हो. चाहे वो कोई भी कोर्स क्यों ना हो, बीएससी नर्सिंग को हटा करके अगर मैं बात करूँ, अगर वो कोई भी कोर्स हो, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, एग्जामिनेशन देना है. बट यार जब उतना स्ट्रगल होता है ना, जो 4 साल का जो आपका स्ट्रगलिंग टाइम होता है ना, पढ़ाई का और अपने प्रैक्टिसेस का, इन सब का, आपको ये लगता है यार मेरे जेब में पैसे नहीं, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा. बट मैं आपको एक बात बता दूँ, जब आप इस ट्रेनिंग को करके बाहर निकलोगे, अगर आपका कैलिबर बहुत अच्छा है और आपका प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत अच्छे डेवलप हो गए हैं ना, आपको हाई पे करने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज आप अच्छा कमाओगे. आपकी जेब में इतना पैसा होगा कि आप कहीं जाओ तो आपको कुछ खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े. तो उसके लिए यार अगर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है ना, तो यार कर लो, ठीक है. आज का कष्ट आपको आगे जा करके ना बहुत ज़्यादा सुख देगा. ये चीज़ मैं इस चीज़ से बिलीव करती हूँ. तो जितना हार्डवर्क हो सकता है गाइस, सब वो करो. कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है. सब कुछ आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग मैनेज किया जा सकता है, ठीक है. सो यार ये थॉट अपने दिमाग से बिल्कुल वॉश कर दो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो. सब लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं. मैं अपनी इसी वीडियो में या अगले किसी शॉर्ट में अगर मैं होगा तो मैं अपने सारे जो फॉर्मेट्स हैं, जो मैंने अभी असाइनमेंट्स के बनाए हैं, मैं उसको भी अटैच कर दूंगी, सो दैट अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो आप उससे हेल्प ले सकते हो.
सो मैं इसी चीज़ को डिस्कस करने आई थी, क्योंकि यार ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ ना कि ये सब चीज़ें सोच सोच के लोग ना डिप्रेस हो रहे हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ अपने दिमाग को वहाँ से हटाइए। मेरा ये कहना है कि पहले थोड़ी सी मतलब पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो अपने ट्रेनिंग पीरियड में, उसके बाद यार हर चीज़ की एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, आप हर एक चीज़ के ऊपर वाले ने परफेक्ट टाइमिंग बनाई हुई है, सो दैट आप कोई हड़बड़ी मत करो, अपने काम को बेसिकली अपनी पढ़ाई को आप करते रहो, सो दैट आगे चलकर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। अगर यार आपके पास कोई वैलिड डिग्री नहीं होगी ना, तो आपको कोई जॉब नहीं देगा, मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो बीएससी नर्सिंग फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो। अगर आप 12th पास भी हो ना भाई, मैं आपको बता रही हूँ, 12th पास वालों को भी आज के टाइम पे कोई नहीं पूछ रहा है। दे विल आस्क यू फॉर द डिग्री, एनी काइंड ऑफ डिग्री यू हैव, दे विल स्ट्रेटली आस्क यू फॉर दिस। अगर आपके पास नहीं है तो आप भाई जॉब करने का ड्रीम बिल्कुल ही छोड़ दो, फिर आपको बैठना पड़ेगा घर में पूरे लाइफ टाइम, कुछ काम नहीं होगा। अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो बिजनेस करने के लिए भी आपको एक स्किल और पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मेहनत को करो, और कहते हैं ना कि हार्डवर्क पेज ऑफ, तो उस चीज़ को, ये जो कोट है ना, इस चीज़ को अपनी लाइफ में ना एकदम उतार लो, अपने ब्रेन में एकदम छाप लो और इस चीज़ को करो करो। जब तक करोगे नहीं आप, तब तक चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोगों की बैक लग जाती है एग्जामिनेशंस में या कुछ ऐसा है। प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग अपनी हिम्मत मत हारो, आज नहीं तो कल आप लोग अचीव कर लोगे अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इस दुनिया में जो भी है ना उनकी लाइफ ख़राब है, वो आप खुद अपनी लाइफ को ख़राब करते हो। आप खुद के हाथ में, आपका करियर, आपका फ्यूचर, सब कुछ आपके हाथ में ही होता है। आज अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ के बैठ जाऊँ और जो मेरा मन करे मैं वो करूँ, ठीक है। और आज अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरह से कर सकूँ, कर लूँ, ताकि मैं आगे चल के मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स। अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, स्टॉप थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट थिंक अबाउट योर फ्यूचर, जस्ट थिंक अबाउट योर स्टडीज़, आपको किस तरह से अपना ये मतलब करियर बनाना है, जस्ट कीप फोकसिंग ऑन दैट। बाकी दुनिया भर की चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी व्हेन यू विल हैव एवरीथिंग, तब आपके अराउंड भी अच्छे लोग होंगे, आपके अराउंड बाकी सारी चीज़ें भी होंगी, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को छोड़ो, इस चीज़ को सोचो कि आपको आगे कौन सा स्टेप उठाना है, ठीक है। तो ये मैं सोच रही थी कि आपसे बात करूँ, बिकॉज़ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा मैंने न्यूज़ देखी है इन सब में। बट यार दिस इज़ नॉट द थिंग जो वो लोग कर रहे हैं ना, ये दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन एक्चुअली कि आप ख़त्म कर दो सारी चीज़ें, जस्ट फाइट, ठीक है। अगर ये स्पिरिट आपके अंदर है ना, लड़ने की स्पिरिट, सो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है। अगर ये आप 10-day चैलेंज लेके देखो कि दुनिया भर की चीज़ें छोड़ो, जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योर मेंटल हेल्थ, जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योर यू नो स्टडीज, फ्यूचर, करियर, यू विल गेट एवरीथिंग, और अपने आप को खुद आप चेंज करता देख पाओगे। सो या आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प कर रही होगी, और अगर येस, अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रही ना, सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आपको ये वीडियो से हेल्प हुई है। और प्लीज़ अपना दिमाग किसी चीज़ में फालतू मत लगाइए, अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर रखिए और ज़्यादा से ज़्यादातर अपनी चीज़ों को करने की सोचो, ठीक है। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग के साथ। सो होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस पहुँचती रहे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, अगर किसी भी पॉइंट पे आकर आपकी हेल्प करी है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलें। स्टे हेल्दी, सेफ रहो और हैप्पी रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं फिर से, बाय बाय।